एक मिनट एसपी साहब उसको घर से पकड़ करके पूरे परिवार को ले गए जिसका बाल बच्चा मरा हो। आप कह रहे हैं एक्सीडेंट, कह रहा हत्या खून का है। छोड़िए आप, इसका मतलब मैं समझ गया कि आप लोग चाह रहे हैं कि कोई जुबान न बोले, हत्यारा हत्या करते जाए। और आपका क्या क्या झूठ, आपके कहने केवल आपके कहने से झूठ होगा? आपका पुलिस वहां से औरतों को रात में खींच करके लाता है, इतना भी है। लेकिन औरत को घर से खींच कर नहीं जेल कैसे नहीं भेजे? घर से क्यों लाए औरत को? जेल तो भेजी दी है, जेल तो भेज दिए। तो सीजीएम धनबाद जो रिमांड किया, इसका मतलब ये है, देखिए गलती को छुपाइए मत। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपराधी सर चढ़ करके बोल रहा है और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हत्या को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। आप केवल ईमानदार होने से नहीं होता है, क्या प्रोटेक्ट? किसी के घर से औरतों को निकाल के ले जाता है थानेदार और आप उस नहीं। मैं जो आपसे पूछता हूँ, वो जो लड़का प्रिंस मारा गया उसके घर से उनके आप कहिए, पब्लिक कह रही है मारा गया, दौड़ता हुआ खून है, पब्लिक जज और आप जज, आपकी पुलिस जज बन जाए, कोर्ट को मैटर हम जानते हैं, आप तो बनावटी मैटर दीजिएगा, आपका कोर्ट का मैटर, ये सब दारू का मैटर है और कुछ नहीं। रविंदर राय का मर्डर क्या हुआ? पॉलिटेक्निक वाला छात्र पान दुकान पर, उसके बाद भी सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एकदम। पुलिस देखिए, सही को सही कहिए, ईमानदार पुलिस अधीक्षक होने का मतलब नहीं है कि अपने करतूत को आपके लोग जो कर रहे हैं उसको छुपाइए। इसमें क्या कर रहे हैं रविंदर राय वाले में क्या कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक नहीं, ट्रांसपोर्टर। आपको आपके जिले में सब दारू लेकर के हत्या